उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पूजा भट्ट, विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से। आज का हमारा व्याख्यान का टॉपिक है ग्रह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व, जिसका आज हम तीसरा भाग जानेंगे। पहले जो दो उत्प्रेरक तत्व हैं वो होते हैं मूल्य एवं लक्ष्य। आज हम बात करेंगे स्तर के विषय में। स्तर जिन्हें हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड भी कहते हैं। स्टैंडर्ड यानी किसी भी चीज़ को मापने का एक तरीका हो सकता है। मानक को तुलना के लिए उपयोग में लाया जाता है। आप इसे किसी भी पैरामीटर या फिर पैमाने के रूप में समझ सकते हैं। मानक हमेशा ही मूल्यों तथा लक्ष्यों से अधिक विशिष्ट हैं। जनरली क्या होता है कि स्टैंडर्ड को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आप अपने दिमाग में एक कोई कल्पना कर लेते हैं कि आपने इस लेवल तक किसी भी कार्य को करना है या अपने इस गोल को अचीव करना है। जो आपने काल्पनिक रूप अपने दिमाग में बनाया है वो काल्पनिक रूप ही स्तर है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए अपने ही मानक तैयार करते हैं और उन्हीं मानकों के अकॉर्डिंग अपने उस गोल को अचीव करते हैं। हमेशा ही जो व्यक्ति है अपने जब वो किसी भी स्तर की कल्पना करता है और यथार्थ में उस स्तर को पाने के लिए परिश्रम करने लगता है। जो स्तर का उदाहरण है वो रहने सहने का स्तर हो सकता है, किसी की शिक्षा का स्तर या खान पान का स्तर इत्यादि हो सकता है। हमेशा देखा गया है कि जो मानक होते हैं उनकी जो लिमिटेशंस होती हैं वो फिक्स होती हैं। ये हमेशा फिक्स होता है कि आप किस प्रकार से किसी लक्ष्य को अचीव करेंगे और वो जो उसके जो आप मानक समझेंगे वो स्वीकार किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। मानक जीवन को संतोषजनक बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक माने गए हैं। आप इसे एक मानचित्र की तरह समझ सकते हैं। आपने उस मानचित्र को फॉलो करते हुए ही अपने वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए अपने गोल को अचीव करना होता है। यदि आप अपने मानकों को ध्यान में रखते हुए अपने गोल को अचीव करते हैं तो इससे आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन होता है और आप अच्छा फील करते हैं। लेकिन यदि आप अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं तो एक असहज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मानक किसी भी रहन सहन और आदत के हिस्से के रूप में बने रहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपने ये सोचा है कि आप किसी भी परीक्षा में इतने प्रतिशत अंक लाएंगे, तो यदि आप उस स्तर को आप अचीव कर लेंगे, उतने प्रतिशत अंक आप ले आएंगे तो आपको संतुष्टि होगी। यदि आप उतने अंक नहीं ला पाएंगे तो एक ही असहज की स्थिति उत्पन्न होगी और आपको असंतोष का सामना करना पड़ेगा। स्तर एक स्वतंत्र रूप से सोचा गया जीवन मानक होता है। जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपने स्तर को कितना उच्च या निम्न बना सकता है यह व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। व्यक्ति स्तर को चित्रकल्पनाओं, अदृश्य एवं अलिखित रूप से अपने मानस पटल पर अंकित कर लेता है तथा और उस स्तर तक पहुंचने के लिए संसाधनों का उपयोग करता है और प्रयत्न करके अपने उस लक्ष्य को अचीव करने का प्रयत्न करता है। इच्छित स्तर प्राप्त करने में प्रसन्नता, संतुष्टि एवं आत्मतृप्ति का अनुभव होता है और ऐसा न होने पर निराशा एवं कुंठा उस व्यक्ति को घेर लेती है। अब हम बात करेंगे कि स्तरों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, यानी स्टैंडर्ड जो हैं उनकी क्या ऐसी खासियत है जो किसी व्यक्ति को पता होनी चाहिए। स्तर हमेशा हमारे कार्य करने के ढंग को स्पष्ट करते हैं और ये हमें बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है। स्तर हमेशा ही लक्ष्य एवं मूल्यों से अधिक स्पष्ट होते हैं क्योंकि स्तरों को हमेशा ही निरीक्षित किया जा सकता है। स्तर व्यक्ति और समूह के मध्य हमेशा ही गतिशील बने रहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमेशा स्तरों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। वह अपने स्तरों का निर्धारण स्वयं कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि स्तरों का वर्गीकरण। स्तर को हम उनके लचीलेपन एवं कठोरता के अनुसार भी विभाजित कर सकते हैं। कठोर मानक हमेशा सामाजिक या धार्मिक रीति रिवाजों और संस्कारों से जुड़े होते हैं, इसलिए पूरे परिवार पर एक सामाजिक या धार्मिक समूह द्वारा लगाए जाते हैं। जबकि लचीले मानक यानी फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड जो होते हैं अपनी प्रक्रिया या सामग्री को मौजूदा स्थितियों की मांग के अकॉर्डिंग समायोजित करने की अनुमति देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी स्टैंडर्ड जब वो कठोर होते हैं तो वो पूरे समाज पे या पूरे सोशल ग्रुप पे लगाए जाते हैं और जो पूरा ग्रुप है उन जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मानने के लिए वो बाध्य होता है।
जबकि जहाँ पे स्टैंडर्ड्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने संसाधनों अपने मूल्यों के अनुसार उस पर डिपेंड करता है कि वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे चाहे ना करे। लचीले मानक जो होते हैं हमेशा ही व्यक्ति को ज़्यादा फ्रीडम देते हैं और हमेशा एक उसे कम्फर्टेबल जोन में रहने की आज़ादी देते हैं। वो इसमें व्यक्ति को तनाव कम होता है और चिंताएं कम होती हैं इस प्रकार के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने में। मात्रात्मक जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, इन्हें आप रैखिक मान और अंकों के मापन से माप सकते हैं। जैसे पैसों के बाद जो अगला जो स्टैंडर्ड आता है जिसे हम माप सकते हैं वो होता है भोजन के मानक। जैसे किसी भी व्यक्ति को कितना खाद्य पदार्थ लेने हैं कितनी क्वांटिटी में लेने हैं इसका जो तरीका होता है इन सबको वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप मनी से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर कितनी कैलोरीज आपने लेनी है और कितना भोजन आपने लेना है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो उसको भी आप माप सकते हैं। और जो गुणात्मक मानक होते हैं वो किसी भी वस्तु के चरित्र या सार को संदर्भित करते हैं जिसका विषयगत रूप से मूल्यांकन किया जाता है और आमतौर पर इन्हें डिग्री या सीमा के संदर्भ में ही किया जाता है। गुणात्मक मानक व्यक्तिपरक होते हैं और केवल शब्दों में वर्णित किए जा सकते हैं। तुलनात्मक शब्दों का उपयोग इस टाइप के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए किया जा सकता है, जैसे बहुत कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा या निम्न। तो जो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये किसी भी चीज़ ये चीज़ों के आपस में कंपैरिजन करते हैं। उस प्रकार से हम इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको हम कंपैरेटिवली मेजर कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने कोई भी अगर रूम में प्रवेश कर रहा है तो वो जो व्यक्ति आया है उसके अभिवादन में खड़े हो जा रहा है, तो इससे आपको ऐसा लगेगा कि उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं जो उसके शिष्टाचार के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। और ऐसे व्यक्ति जो किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अभिवादन नहीं कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसके स्टैंडर्ड थोड़े उससे कम हैं। तो उच्च और निम्न या अच्छे या बुरे के बीच में जो गुणवत्ता में यह अंतर सापेक्ष है, जब तक कि इसके विपरीत काफ़ी तेज़ न हो जैसा कि सुंदरता कुरूपता के बीच का जो अंतर है तब तक हम इस प्रकार के जो मानक हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं परंपरागत एवं परिवर्तनशील स्तर। परंपरागत स्तर मतलब जो प्राचीन और स्थिर होते हैं, इन्हें समाज में बड़े समूह द्वारा मान्यता होती है तथा ये सर्वस्वीकार्य होते हैं। और जो ये स्टैंडर्ड जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। व्यक्ति जिस समाज में रहता है वो उस समाज द्वारा निर्धारित नियमों मूल्य एवं स्तरों का पालन हमेशा करता है, चाहे वो ना चाहे तब भी वो इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि व्यक्ति को समाज में निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता अनुसार स्वयं को बदलना पड़ता है तथा समाज के सामंजस्य को बिठाना पड़ता है। तो इसके लिए उसे कुछ कष्ट भी उठाने पड़ते हैं जब वो परंपरागत स्तरों को फॉलो कर रहा है। परंपरागत स्तर उच्च स्तर हैं जिनको बनाए रखने के लिए अधिक श्रम एवं प्रयास की आवश्यकता होती है, जबकि जो परिवर्तनशील स्तर होते हैं ये अधिकांश व्यक्तियों द्वारा अस्वीकार्य होते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो स्तर होते हैं स्थिति समय और व्यक्ति के अनुसार बदलते रहते हैं, तो इस प्रकार के स्तरों को अपनाने में व्यक्ति ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। इन स्तरों में धन समय और प्रयत्नों और मूल्य के रूप में महत्व दिया जाता है। ये स्तर परंपरागत स्तरों के विपरीत होते हैं जिन्हें व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा रुचि आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार बदला जा सकता है। वर्तमान समय में कामकाजी लोगों के लिए जो परिवर्तनशील स्तर होते हैं उनको अडॉप्ट करना ज़्यादा आसान होता है, और ये स्तर उन लोगों के लिए ज़्यादातर कारगर होते हैं जिनके पास धन समय या श्रम का अभाव है। अब हम बात करेंगे कि परंपरागत और परिवर्तनशील स्तरों में क्या अंतर है। पहला अंतर यह है परंपरागत स्तर जो होते हैं हमेशा ही इसमें समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है, जबकि जो परिवर्तनशील स्तर होते हैं ये समाज के बड़े हिस्से द्वारा इनको अपनाया नहीं जाता है। इसमें व्यक्तिगत सुख मित्रता साधनों के बीच जो संतुलन होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। परंपरागत स्तर में समय धन प्रयत्नों को मूल्यों के रूप में कम मान्यता प्राप्त होती है, जबकि परिवर्तनशील स्तर में समय धन मूल्य को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। परंपरागत स्तर समय एवं स्थान के अनुसार चलते हैं,
जबकि जो परिवर्तनशील स्तर होते हैं वो समय, स्थान, परिस्थिति आदि के अनुसार बदलते रहते हैं। परंपरागत स्तर जो होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं और हर पीढ़ी द्वारा ये स्वीकार किए जाते हैं। जबकि जो परिवर्तनशील स्तर होते हैं ये एक तो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि हर पीढ़ी का जो व्यक्ति है इस प्रकार के जो स्टैंडर्ड हैं उनको अपनाए। परंपरागत स्तरों को अपनाने के लिए स्वयं के भीतर परिवर्तन लाया जाता है, जबकि जो परिवर्तनशील स्तर हैं यहाँ उन्हीं में परिवर्तन कर दिया जाता है। यहाँ पे जो व्यक्ति है वो स्वयं में चेंजेस नहीं लाता है, जबकि वो स्टैंडर्ड्स को ही अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। परंपरागत स्तर को बनाए रखने में अधिक प्रयत्न और समय लगता है, जबकि जो परिवर्तनशील स्तर होते हैं कम प्रयास के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्तर चयन करने की कसौटियाँ क्या क्या हैं। सबसे पहला है उपलब्ध संसाधन। जब आप अपने स्टैंडर्ड्स को निर्धारित कर रहे हैं तो आपने अपने जो संसाधन हैं उनको देखना है। किसी भी स्तर का व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, इसलिए जब भी आप अपने लिए कोई स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो पहले आप ये देखिए कि आपके पास उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के पूरे संसाधन हैं या नहीं। इसका मतलब यह है कि जो आपका स्तर हो वो उपलब्ध संसाधनों मूल्यों की सीमा के भीतर ही होना चाहिए। फिर आता है सामाजिक स्वीकार्यता। आधुनिक समय में परिवर्तनशील स्तर परंपरागत स्तरों से अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति इसमें व्यक्ति का स्वतंत्रता, उदारता एवं लोचमयता का अनुभव करता है। परंतु परिवर्तनशील स्तर भी कहीं न कहीं समाज की स्वीकृति की अपेक्षा करते हैं। तो आपने यह देखना है कि जब भी आप अपने स्तर को निर्धारण कर रहे हैं तो कुछ उसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि वो समाज द्वारा स्वीकार किए जाएं, क्योंकि समाज द्वारा स्वीकार्य होने पर अधिकांश संख्या में लोग इसे अपनाने लगेंगे। और यदि यह समाज द्वारा नहीं स्वीकार किए जाएंगे तो धीरे धीरे जो ये इस प्रकार के जो स्टैंडर्ड हैं वो अपना अस्तित्व खो देंगे। तो जब आप स्तर का निर्धारण कर रहे हैं तो आपने यह देखना है कि इनिशियली जो इस प्रकार के जो स्तर हैं वो बहुत ही लार्ज ग्रुप द्वारा एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से समाज इन स्तरों को धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है। जैसे के लिए अब समाज में स्त्रियों की उचित स्थान या उनकी जो शिक्षा है और विभिन्न क्षेत्रों में जो उनका योगदान है उसको अब स्वतंत्रता मिल गई है और उसे एक बहुत ही जो हमारी सोसाइटी है इस प्रकार की चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है और इवन स्त्रियों को आगे आने के लिए मोटिवेट भी वो कर रहा है। तो इस स्तर को अचीव करने में हमारे समाज को बहुत टाइम लगा, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव चेंज लाया हमारी सोसाइटी में तो इसलिए अब हमारी सोसाइटी ने इस चीज़ को स्लोली अपना लिया है। अब हम देखेंगे जो अगली कसौटी क्या है, स्तरों का अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो आप कोई भी अपना स्टैंडर्ड चुन रहे हैं तो आपने देखना है कि आप जिस स्टैंडर्ड को अपना रहे हैं वो आपके परिवार, समुदाय एवं समाज पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है। ये ज़रूरी है कि जो भी आप स्तर अपनाएं वो इन लोगों पर किसी प्रकार का नकारात्मक रूप से प्रभाव ना डालें। यदि ऐसा है तो इस प्रकार के स्तर में तत्काल परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। अगला है स्तरों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ये देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्तर की उत्पत्ति इस प्रश्न का उत्तर खोजने में सहायक होती है कि क्या कोई विशेष स्तर अब भी महत्वपूर्ण है या नहीं। यदि नहीं है तो किस सीमा तक इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो आपने ये देखना है कि आपने जो स्टैंडर्ड अपनाने की आप सोच रहे हैं उसका ओरिजिन कहाँ से है, आपने उसके विषय में सोचना है। और आप यदि आपको लगता है कि इसमें कोई चेंजेस किए जाने हैं तो उसमें वो परिवर्तन तत्काल रूप से किए जाने चाहिए। अगला है मूल्यों से संबंध। यदि सामाजिक स्वीकृति मूल्य है तो वह परंपरागत स्तर अपनाएगा, लेकिन यदि उसका मूल्य आराम और समूह और मित्रता है तो वो परिवर्तनशील स्तर को ही अपनाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति विशेष के मूल्यों पर, जिसकी वैल्यूज़ जिस प्रकार की होंगी वो उसी प्रकार के स्तरों को अपनाएगा। अब हम बात करते हैं मूल्य, लक्ष्य और स्तर का अंतर संबंध क्या है। ये तीनों ही जो हैं उत्प्रेरक तत्व हैं ग्रह व्यवस्था के, लेकिन ये तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। जो मूल्य होते हैं वो लक्ष्य और स्तर से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु देखा जाए तो मूल्य अधिक अस्पष्ट होते हैं और अनिश्चित होते हैं एवं आत्मसात होते हैं। मूल्य ही लक्ष्य और स्तर को जन्म देते हैं। लक्ष्यों की उत्पत्ति मूल्यों द्वारा होती है और यह मूल्यों से अधिक विशिष्ट और परिभाषित होते हैं। लक्ष्य हमेशा ही स्तर और मूल्यों दोनों से संबंधित होते हैं। स्तर मूल्यों को दिखाई देने वाले भाग होते हैं।
अतः जब परिवार के स्तरों के प्रभाव में आ जाते हैं तो वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप इस तरह समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है, उसका जो मूल्य है वो है फिट रहना, यानी एक अच्छा स्वास्थ्य उसकी वैल्यू है, और उसने अपना गोल डिसाइड कर रखा है कि उसे इतने किलो तक वजन घटाना है, तो उसके लिए वो कुछ स्टैंडर्ड अपनाएगा, जैसे कि वो इस प्रकार से स्टैंडर्ड अपनाएगा कि उसे दिन में कितने किलो कैलोरीज लेने हैं, कितने घंटे उसको अपने व्यायाम को देने हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अपनी हर छोटी एवं बड़ी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य मूल्य स्तरों में ही घिरा रहता है। जब वो इन तीनों का जो संबंध है वो ठीक प्रकार से बना पाएगा, तभी वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा। इसका मतलब ये है, यदि आप इस उदाहरण को समझते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि नियमित रूप से अपने गोल को अचीव करने के लिए एक जो स्टैंडर्ड उसने सेट कर रखे हैं उनको फॉलो करेगा, तो वो अपने गोल को ज़रूर ही अचीव कर पाएगा। तो शिक्षार्थियों, इस पूरे व्याख्यान में अब आपने समझ लिया है कि ग्रह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व क्या होते हैं और वो ग्रह व्यवस्था के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये व्याख्यान उपयोगी लगा होगा। धन्यवाद।